की अगर पिछले बात करें तो 63 बच्चों की मौत की खबर है। जापानी बुखार जिसे इंसेफ्लाइटिस भी कहते हैं, हर साल इस जापानी बुखार से बच्चों की मौत होती है, लेकिन कोई तैयारी जो दावे किए जाते हैं वो नजर नहीं आती। दीपक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। दीपक, हर साल तैयारियों के दावे किए जाते हैं लेकिन हर साल नौनिहाल यूं ही मरते हैं और दावों की पोल खुलती जाती है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, हर साल दावे किए जाते हैं, चाहे पिछली सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, सभी सरकारों ने सिर्फ दावे किए हैं कि जून से लेकर के और नवंबर तक का जो इंसेफ्लाइटिस का पीक सीजन माना जाता है उस दरमियान बच्चों की मौतों को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अब जब सीजन आ गया है अगस्त महीने में, इस समय इंसेफ्लाइटिस पिछले 3 दिनों में जो मौतें हुई हैं उसमें एक बड़ी वजह जो मानी जा रही है वो लापरवाही है सरकारी विभाग में। जो डॉक्टर हैं, जो सीएससी पीएससी है जहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं है, उनकी वजह से मौतें हुई हैं। और इन 60 मौतों में 26 मौतें सिर्फ नवजात बच्चों की हुई हैं, वो बच्चे जो बच सकते थे लेकिन उनको स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं मिल सकी और उसकी वजह से संक्रमण की वजह से उनकी मौत हुई। जी, शुक्रिया आपका दीपक श्रीवास्तव इस तमाम जानकारी के लिए। तो 72 घंटे में 63 बच्चों की मौत की खबर आ रही है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में नौनिहालों की मौत हुई है।